अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैरागिस किचन। आज हम बैरागिस किचन में बनाने वाले हैं पास्ता, वो भी एकदम सिंपल रेसिपी में। अब हम हमारा पास्ता बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने हमारे पास्ते को बॉईल करने के लिए गैस पर रखे हैं। बॉईल करने के टाइम पर हम इसमें डालेंगे तेल, ताकि हमारा पास्ता एक दूसरे से चिपके ना। और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और हम हमारे पास्ते को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हमने पेनी पास्ता यूज़ किए हैं, आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हो। पास्ता रेडी करने के लिए यहाँ पर हमने बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पर हमने दो प्याज को ऐसा चॉप किए हैं, साथ में हमने यहाँ पे तीन टमाटर को ऐसा फाइन चॉप किए, साथ में हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज लिए हैं और इसी के साथ में हमने यहाँ पे दो क्यूब चिकन स्टॉक के ले लिए। साथ में हम जिंजर गार्लिक का भी यूज़ करेंगे। अभी हमने यहाँ पर चेक कर लिए थे, हमारा पास्ता अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। अभी हम हमारी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारे पास्ते का पानी पूरा स्ट्रेन कर देंगे। और हमने हमारा पैन रख दिए है गर्म होने के लिए। जैसा ये गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे ऑयल। पैन हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे ऑनियंस जो हमने चॉप करके रखे थे, और ऑनियन के साथ ही हम डाल देंगे हमारी ग्रीन चिलीज और इसे अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। ऑनियंस को हमने अच्छी तरीके से सौते कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। ये भी हमने अच्छे तरीके से सौते कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा टमाटो और चिकन स्टॉक। टमाटो सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे ढक कर, जब तक हमारे टमाटो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम देख लेंगे हमारे टमाटो सॉफ्ट हो गए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं टमाटो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शेजवानी चटनी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, बस ये इसके टेस्ट को इन्हांस करेगा। क्योंकि हम आपको एकदम इंस्टेंट पास्ता बता रहे हैं कि अगर आपको कभी क्रेविंग हो गई अगर कुछ खाने की, तो आप इसे क्विकली घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उससे बना सकते हैं। हमारे पास्ते का मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बारी है इसमें हमारे पास्ता डालने की। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास्ता। अब हमने शेजवान सॉस डाल के हमारे पास्ते को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, हम हमारी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एकदम इंस्टेंटली हमने ये हमारी क्रेविंग पूरी करने के लिए घर पे पास्ता बना दिए हैं। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी के लिए आप हमारा चैनल बैरागिस किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।